जानकारियां हैं, लेकिन जब हम लोग एक ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग खेल दिवस घर में बैठ के मना रहे हैं, क्योंकि ऐसी एक बड़ी महामारी हमारे बीच में है जिसको हमारा हमारे देश के लिए एक चुनौती है। ऑस्ट्रिया को 6-0 से, 14 मई बेल्जियम को 9-0 से, 20 मई को डेनमार्क को 5-0 से, 22 मई को स्विट्जरलैंड को 6-0 से, और 26 मई को फाइनल मैच में हॉलैंड को, जो कि होस्ट है, को 3-0 से हराकर विश्व भर में हॉकी चैंपियन घोषित किए गए। 29 मई को उन्हें पदक प्रदान किया गया। फाइनल में 2 गोल, जो इंपॉर्टेंट, जो मैच को जिताने वाले हीरो थे, हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी रहे। लॉस एंजलिस 1932 में ओलंपिक प्रतियोगिताओं में ध्यानचंद जी को टीम में बहुत सराहनीय का प्रदर्शन रहा। उस समय सेंटर फॉरवर्ड की रूप में काफी सफलता और शोहरत प्राप्त कर चुके थे। जब सेना में वह लैंस नायक के बाद नायक हो गए, इस दौरान भारत ने काफी मैच खेले। इस सारी जर्नी में ध्यानचंद जी ने 260 में से 101 गोल अकेले ही किए, जो उनकी जादूगर होने का पर्याय बन रहा है। निर्णायक मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया। 24-1 से एक चमत्कारी, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, 24-1 से हराया। तब एक अमेरिका समाचार पत्र ने भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व में आया तूफान थी, जिसने अपने वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया, उनके न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया कि भारत की हॉकी टीम ने अमेरिका टीम को बिल्कुल रौंद दिया। और सच में एक चमत्कार है कि आप किसी की कंट्री में जाकर आप अपना बेहतर काम करते हैं। फिर जो जिस ओलंपिक की सबसे ज्यादा चर्चा थी, तो वो था बर्लिन ओलंपिक 1936 के। बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद जी को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। इस पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मुझे जरा भी आशा नहीं थी मैं कप्तान चुना जाऊंगा। उन्होंने अपने दायित्व को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। वो अपने जीवन का अविस्मरणीय संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 17 जुलाई के दिन जर्मनी के साथ हमारे अभ्यास मैच में प्रदर्शनी मैच का आयोजन हुआ। यह मैच जर्मनी में खेला गया। हम इसमें 4 के बदले 1 गोल से हार गए। इस हार का मुझे धक्का लगा, उसे मैं जीते जी नहीं भुला सकता। हमें बहुत अफसोस हुआ। जर्मनी की टीम की प्रगति देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। हमारे कुछ साथियों को तो भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत से साथियों को तो रात में नींद नहीं आई। 5 अगस्त को के दिन भारत का हंगरी के साथ ओलंपिक का पहला मुकाबला हो, जिसमें भारत ने हंगरी को 4 गोलों से हरा दिया। दूसरे मैच में, जो कि 7 अगस्त को खेला गया, भारतीय टीम ने जापान को 9-0 से हराया। उसके बाद 12 अगस्त को फ्रांस को 10 गोलों से हराया। 15 अगस्त के दिन भारत और जर्मनी के टीम के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। यद्यपि इस मुकाबला 14 जनवरी को खेला जाने वाला था, परंतु इतनी बारिश होने के बाद मैदान में पानी भर गया और खेल एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अभ्यास के दौरान जर्मनी की टीम ने भारत को हराया था। इस बात सभी के मन में बुरी तरह असर कर गई। फिर गीले मैदान, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमारे खिलाड़ी और भी निराश थे। तभी भारत टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता की एक युक्त सूझी और खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम ले गए। सहसा उन्होंने तिरंगा झंडा हमारे सामने रखा और कहा, इसकी लाज अब तुम्हारे हाथ। पूरे विश्व को बताना है कि आप विश्व विजेता हैं। सभी खिलाड़ियों ने श्रद्धा पूर्वक तिरंगे को सलाम किया और वीर सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़े। भारतीय खिलाड़ी जमकर खेले और जर्मनी की टीम को 8-1 से हरा दिया। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रही। भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया।
उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। एक वो ऐतिहासिक समय था, किसी को पता नहीं था, जाने अनजाने में कितना बड़ा इतिहास उस समय रच दिया गया। अपने जादूगर की वजह से, जादूगरी की वजह से हॉकी में जर्मन का तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान कई प्लेयर्स थे जो उनके घायल थे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इन्होंने इतना इतना अच्छा स्कोर किया तो जर्मनी के और पूरे वर्ल्ड के जितने भी हॉकी प्रेमी हैं, और खासतौर पर मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि हॉकी के अलावा और भी जो बड़े खिलाड़ी थे और खेलों के, ब्रैडमैन, और भी क्रिकेट के खिलाड़ी थे और जितने भी प्लेयर्स थे, उन सब ने एक व्यक्तित्व को जाना और समझा कि हमारे बीच में एक ऐसा खिलाड़ी है जो विश्व पर छा सकता है। अगर हम लोग, जब इन्होंने देश के लिए इतना किया, भारत को उस आजादी से पहले वो अचीवमेंट दिए जो बहुत ही हमारे अगेंस्ट हमारी परिस्थितियां थी, बहुत हमारे सपोर्ट में परिस्थितियां नहीं थी। मेरा इस जो इनका आशय है, इनके बारे में बताने का रीजन यही है कि हम लोग ये जानते रहे कि खेलने वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना बेस्ट करता है। और जहां पर व्यक्ति फिजिकल फिटनेस से नहीं खेलता, जब व्यक्ति अपने देशभक्ति के लिए, देश के लिए खेलता है, तो उसमें जितने भी मोटर कंपोनेंट्स हैं वो हाई हो जाते हैं। हमेशा उन चीजों को वो देखते हैं और अपने देश के लिए जब खेलना शुरू करते हैं तो उनमें एक असीम ताकत का प्रभाव शुरू हो जाता है। अगर हम लोग उनके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद हम उनके अवार्ड्स के बारे में अगर जानना चाहें, इन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया। मेजर ध्यानचंद जी को खेल के क्षेत्र में कई सम्मान दिए गए और उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है और होना भी चाहिए। ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय दिवस के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, राजीव गांधी खेल अवार्ड है, उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, टेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार दिए जाते हैं। और जब हम लोग दादा की बात या मेजर ध्यानचंद की बात हम लोग शुरू करते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये इनके साथ ही साथ जब भी खेलों की, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और भारत ने हॉकी में इतना इतना असीम प्रदर्शन किया है और काफी समय तक किया, लेकिन जब कुछ चीजें चेंजेस हुई तो हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल हुई कि हमारे पास उस समय आजादी के बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन धीमे धीमे हम लोगों ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की पूरी कोशिश करी। तो इसी के साथ अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय खेल दिवस जो हमारा आज मनाया जा रहा है, इसके हमारे जो मुख्य एम हमारा क्या था, कि सबसे बड़ी बात है कि खेल को, खिलाड़ी को हमेशा बहुत ही मैं कहूँ तो बहुत ही ज्यादा सम्मान पहले नहीं मिला करता, अब जितना मिलने लगा है। सॉरी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि अब पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, लेकिन अभी क्या है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे और बड़े नवाब। तो खेलना कूदना इसलिए जरूरी है और खेल कूद के साथ सबसे ज्यादा आवश्यक है, आपको क्या इससे बेनिफिट है, क्या आपको फायदा है? आज देखिए, आप महसूस करेंगे कि आज इस महामारी में, मैं यहाँ पर खेल दिवस के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि पहली बार इस राष्ट्रीय खेल दिवस को हम लोग वर्चुअली, यानी बिना मैदान में आए हुए इस राष्ट्रीय खेल दिवस को हम लोग मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये साल में हमें एक बार बताया जाता है उनके बारे में, दत्ता के बारे में बताया जाता है जिन्होंने कम संसाधन में बहुत अच्छा काम। और क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं अगर हम लोग खेल रहे हैं? आप सभी लोग
अब देखिए क्या है, पहले हम लोग पुराने समय में खेलने वाले को बड़ा ही अच्छा नहीं समझा जाता था। आज मैं देखता हूँ, इसमें मैं स्कूल कॉलेज का बहुत धन्यवाद करूंगा, खासतौर पे आप लोगों का, कि आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में खेल को बहुत प्रमोट किया है, बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया है। और जब आप खेलते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे बड़ी जो हमें जो फायदा होता है, सबसे बड़ा जो फायदा होता है फिजिकल, हमें शारीरिक लाभ मिलता है। हम सब लोग, जितने लोग भी बैठे हैं, अगर आप फिजिकली फिट होते हैं तो आपको बहुत ही अलग आनंद की प्राप्ति होती है, अपने आप में आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगते, एक अलग व्यक्तित्व तो आपका लगता है जब आप फिजिकली फिट होते हैं। समाज उसके साथ साथ में, जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो मेंटली अलर्ट होते हैं, आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से होता है वह सामाजिक रूप से बहुत ही फिट माना जाता है, सोशली फिट हम लोग कहते हैं। आप ये मानिए कि जब आप फिजिकल मेंटल सोशल फिट होते हैं तो आप, एक कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसी बातें भी कही गई, लेकिन आप देखिए समुद्र सामाजिक प्राणी कब है? जब वो फिजिकली फिट होता है, मेंटली अलर्ट होता है, तब वो जाके सोशली एडजस्ट होता है या सोशली इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ जब आप स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन या योग, अलग अलग नाम है स्वस्थ रहने के, शारीरिक दक्षता को प्राप्त करने के लिए, उसमें आपका आता है जो इकोनॉमिकली, आज आप देखें आप स्वस्थ रहते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी प्रकार की और भी समस्याएं नहीं होती हैं। आज के समय में इतना इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस पैंडेमिक में, आप लोग देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि आप लोग घर की बनी चीजें खाइए, शुद्ध चीजें खाइए, साथ ही साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मैं तो इसको कहूंगा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सोशली अटैच रहिए, फोन से आप अटैच रहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखिए, आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस महामारी ने हमें जीना सिखाया है, तो हमारे खर्चे भी कम हुए, आमदनी बहुत नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन ये किसी ने कहा कि ये साल जीने का साल है, 2020 अगर हम लोग पार कर लिए तो इस महामारी को अगर हमने जीत लिया, इस महामारी के हम ऊपर हम लोग ने जीत प्राप्त कर ली, तो भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे सभी लोग, सभी देशवासी इसके साथ एकजुट होकर लगे हुए हैं और इस महामारी को हम लोग हराने का प्रयास अपनी फिजिकल फिटनेस के माध्यम से करें। और लोग कर भी रहे होंगे, आप लोग, अब जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है घर में सभी आप लोग ऐसा कुछ काम करते होंगे जिससे आपकी फिजिकल ग्रोथ हो रही होगी, आपका मेंटल ग्रोथ हो रही होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये ऐसा टाइम है, आप जितने भी लोग हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी उन्हीं के साथ हो रही है, आपका खाना पीना भी उन्हीं के साथ हो रहा है, तो आप उन चीजों को जरूर साथ में रखें। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग खेल और फिजिकल एजुकेशन जब भी हम लोग बात करते हैं, ये किसी धर्म से नहीं, किसी जात से नहीं, किसी रंग से नहीं जुड़ा है। आज हम सब लोग जुड़े किस लिए हैं? क्योंकि हम लोग आज खेल दिवस मना रहे हैं, और खेल दिवस जहां पर आप देखते होंगे मैचेस में, आप किसी भी खेल में आप देखिए, अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर साथ में खेलते हैं, साथ में पानी पीते हैं, साथ में इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को, जब वो गोल करते हैं इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को, जब अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, और दुखी भी होते हैं अगर किसी प्लेयर को उनके द्वारा चोट लग जाती है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक शब्द दिया गया है, वो केवल खेल में है। अगर दूसरी पार्टी का, अगर हम जिसको कह सकते हैं अगेंस्ट पार्टी या दुश्मन टीम का जो प्लेयर होता है, अगर गिरता है, तो भी आप कई बार मैचेस में देखिए, फुटबॉल मैचेस में देखिए, क्रिकेट मैचेस में, अलग अलग गेम में आप देखते होंगे, हॉकी मैचेस में देखिए कि वो प्लेयर के पास जाते हैं, उनको हाथ से पकड़ते हैं, उठाते हैं, गले मिलते हैं, अपनी टी शर्ट एक्सचेंज करते हैं, बहुत चीजें हैं कि लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि खेल में कोई धर्म जाति रंग भेद नहीं। तो आप सभी लोग, साथ ही साथ ये आपको आध्यात्मिक, इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ आध्यात्मिक, जब भी आप आध्यात्मिक, कभी भी हम लोग खेलने लगते हैं, हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और उसको सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एनर्जी हमें हेल्प करती है उसके साथ जुड़ने के लिए, तो हम लोग उसको किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, जब आपके पास ये तीनों चारों गुण क्वालिटीज होंगी, तब तो आप बेहतर कर सकते हैं।
और जब आप बेहतर करेंगे तो बेहतर नहीं हो, बहुत अच्छा हो। फिर इसके और जो अच्छे फायदे हैं, पर्यावरणीय इकोलॉजिकल जो बेनिफिट्स हैं, आप देखिए इतने हाईवे बन गए, इतनी डेवलपमेंट हो गए, क्योंकि वो हमारी एक आवश्यकता है। आवश्यकता कैसे कि जब डेवलपमेंट होंगे तभी हमारे चीजें बहुत सुलभ हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, लेकिन उस जब विकास होता है तो उसके साथ विनाश भी जुड़ता है। रोड्स बनेंगी तो पेड़ कटेंगे, तो आप देखिएगा बहुत पेड़ कटे, लेकिन मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कि उन्होंने हर साल लक्ष्य रखे हैं पेड़ लगाने के। और आप सब, मैं जैसा हम लोग यहीं पर रहते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, तो आप देखिए इतने पेड़ हम लोगों ने लगाए। पेड़ लगाने से क्या फायदा हो गया कि जब पेड़ लगेगा, अभी नहीं, आप 5 साल बाद, आप जो मेरे साथी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आपने भी स्कूल में पेड़ लगाए होंगे, आपके टीचर्स ने लगाए होंगे, मैम ने लगाए होंगे, सर ने लगाए होंगे, आप कभी भी स्कूल में जब आप पास आउट होंगे, अपने फैमिली के साथ आएंगे, जिस पेड़ को आप लगाए हुए होंगे और आप देखेंगे कि हाँ ये पेड़ मैंने लगाया था, तो आपको वो एहसास होता है कि उस एहसास को मतलब अलग ही उसका आनंद प्राप्त। तो मेरा आपसे कहना कि फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का हमेशा हमें बेनिफिट्स यही मिलता है कि हम हर तरीके से उस कार्य को संपादित कर लेते हैं। हम अपनी एनर्जी को, जैसे आपके यहाँ सर लोग हैं, दीपक सर हैं, साबिर सर हैं, आप देखिए कितना ही ज्यादा ये मेहनत करते हैं और कितने मेहनत के साथ आपको हर तरीके की हेल्प करते हैं। फिर मैं कुछ और एक आपको एक मूल मंत्र देना चाहता हूं जो लद्दाख के साथ जुड़ा था, मेजर ध्यानचंद जी के साथ जुड़ा था। उनके साथ देखा जाए तो उन्होंने कुछ चीजों में जो सबसे ज्यादा खेल को उन्होंने जब प्राप्त किया, खेल में उन्होंने नाम प्राप्त किया, प्रसिद्धि प्राप्त करी, तो आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें थी जिसको अगर हम आप लोग स्कूल में फॉलो करते होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, डिसिप्लिन, अनुशासन। आप सभी लोग अनुशासित हैं, मैं इसके लिए आपके प्रिंसिपल मैम को, शिल्पा मैम को और पूरे मैनेजमेंट और टीचर्स को धन्यवाद दूंगा कि पूरे बच्चे एकदम टाइम से, मैं देख रहा हूँ कि हम लोग कई वेबिनार और उसमें ज्वाइन करते हैं, तो उसमें 8 बजे का टाइम आपने दिया और 8 बजे सभी बच्चे और सभी लोग जुड़ गए और 8 बजे एग्जैक्ट प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो गया। ये इतना अच्छा डिसिप्लिन अगर वर्चुअल में है तो रियल में कितना होगा। तो मैं सभी के लिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं कि आप जो है ऐसे कार्यक्रम कराते हैं और बच्चे आपके पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रोल करता है स्टूडेंट लाइफ में, स्पोर्ट्स लाइफ में। आप देखिए प्लेयर्स को, आप जब भी देखते हैं कोई भी मैचेस में, देखिए प्लेयर आराम से एक किट में होते हैं, किट को कैसे पहनना है, कैसे उतरना है, कैसे सबसे मिलना है, हाथ मिलाना है, एक टाइम पे मैच शुरू होना है, जो रेफरी, जज, अंपायर, निर्णायक जो भी होता है उसकी बात को, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कई बार अगर आप लोग खेलते होंगे जानते होंगे, कई बार डिसीजन नहीं समझ में आता, लोग गलत डिसीजन हो भी जाता है, तो आप देखते होंगे वो प्लेयर उस डिसीजन को चाहे किसी भी तरह से समझौता करके मानता है। क्यों? क्योंकि खेल में हम लोग हमेशा सिखाते हैं कि आप डिसिप्लिन होना चाहिए, आप जितने अनुशासित होंगे उतना ही उस चीज का आनंद आपको प्राप्त होगा। यूनिफॉर्मिटी, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म है, वहां पर जितना बच्चा भी आ रहा है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास का हो, अपर मिडिल क्लास का हो, अपर क्लास का हो, सबकी एक यूनिफॉर्म है। तो डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी, आप देखिए, और सबका वही कलर है, अगर सफेद यूनिफॉर्म है तो सफेद सबकी है, सफेद में कोई चेंज नहीं कर सकता, सफेद सफेद ही होगी। फिर आपका आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कैसा, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे आपका अलग जीवन हो, आप देखिए दृढ़ निश्चय के साथ, प्रण के साथ, संकल्प के साथ आप अपनी चीजों को हमेशा और हमेशा डिसिप्लिन के साथ आप उसको डिटरमाइन करते, हमें एक काम करना है। आप में से बहुत बच्चे 10th पास करके 11th में आए होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले होंगे, कुछ को कुछ अच्छे मार्क्स नहीं भी मिले होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा मार्क्स के बजाय आप लोग अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जब तक आप अपने गुरुजन, शिक्षक जन, इनके साथ में जो इनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्राप्त कर सकते हैं,
केवल गुरु एक ऐसा प्रोफेशन होता है, या ऐसा जो आपका एजुकेशन होता है, जो इसका टीचर होता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि मुझसे बेहतर मेरा स्टूडेंट आगे जाए। अगर आप कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स, आपके जितने भी हैं, माँ बाप से ज्यादा खुश होते हैं और आंख में आंसू हो जाता है, और इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमारा एलुमनाई है और इसने जो है ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। हमारे लिए ये एक प्राउड की बात होती है, एक गर्व की बात होती। क्यों? क्योंकि साथ डिटरमिन, जिसको हम लोग, ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, इसको हम लोग 3D बोलते हैं। 3D टर्म बहुत पुराना है अब, लेकिन दूसरे दूसरे तरीके में आना शुरू हुआ। तो बहुत दृढ़ निश्चय को लेते हुए हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी कार्यक्रम होता है स्पोर्ट्स का, और भी स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं, आप देखेंगे कि आपके जितने टीचर्स हैं, जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उतने डिसिप्लिन से, उतने आपका डिटर्मिनेशन से, और थर्ड ई है जिसको हम कहेंगे डेडिकेशन के साथ। तो क्या होता है कि जब ये तीनों डी मिल जाते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैंने उनको कहीं पढ़ा कि थॉमस एडिसन थे, उनसे बताया कि साहब उन्होंने अपने 100 बार आप एक्सपेरिमेंट में फेल हुए और आपने बल्ब नहीं बनाया। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 101वीं बार सफल हुए, कहानी है। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा आदमी हूं जिसे पता है कि 100 तरीके से बल्ब नहीं बनाए जा सकते। तो ये कि मैं कह सकता हूं कि आप लोग ये जानिए कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट, उन्हें पता था जो आदमी फेल होता है इसका मतलब वो सक्सेस नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो फेल होता है वो हमेशा अगली बार और अच्छे से सक्सेस होता है। आप लोगों ने जितने अच्छे रिजल्ट दिए होंगे, और खासतौर पर आप देखेंगे जो व्यक्ति अपने पढ़ाई के दौरान खेलते रहे होंगे, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। क्यों? क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साइको फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, साइको फिलोसफिकल पार्ट बदलते हैं, आप महसूस करते हो खेल के आने के बाद। क्यों? कि खेल हमें क्या सिखाता है? खेल हमें जूझना सिखाता है, खेल हमें डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, लीडरशिप। आप जब खेलते हैं, आपकी टीम क्यों हारे नहीं, हमारा स्कूल क्यों नहीं हारना चाहिए? क्योंकि हम उस स्कूल के साथ एसोसिएटेड हैं, उसके साथ मेरा जुड़ाव है, हमें नहीं लगता कि कौन। और सबसे खास बात, खेल में नो पॉलिटिक्स, खिलाड़ी हमेशा इन सब चीजों से ऊपर होता है, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं, मुझे कहने में कोई मलाल नहीं है कि मैं खिलाड़ी हूं। हम लोग साथ बैठ के एक एक थाली में खाना खाते हैं, एक बोतल से पानी पीते हैं, वो भाईचारा, वो चीजें जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें, वो कहीं नहीं मिल सकता। तो खेल एक ऐसा, मैं कहूंगा आपसे, ऐसा पार्ट है कि अगर आपके लाइफ में वो पार्ट है, एक पार्ट बना के चलेंगे, तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में, किसी भी लाइफ के किसी भी स्थान में, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, ना डिप्रेशन, जैसे मैं इस महामारी के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोगों ने इस महामारी को देखते हुए, लॉकडाउन समस्या हुई, घर में रहना पड़ा, और उनको बहुत परेशानियां हुई, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपने उस को भी जीत लिया, आपने जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियमों का पालन करते हुए, और मैं ये भी इसकी तारीफ करूंगा, जैसे आपके स्कूल का मैं कई बार देखता भी रहता हूँ, और दीपक जी और साबिर जी के माध्यम से पता भी चलता रहता है कि आपके यहाँ क्लासेस भी बहुत समय से चलती हैं, कहीं किसी का पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा है। उसके साथ ही साथ आप देखिए, कहीं ना कहीं एक्टिविटी, हम लोग तो टच में हैं तो देखते रहते हैं कि आपके यहाँ की एक्टिविटी, कोई भी ऐसा दिन नहीं कि वो एक्टिविटी ना होती। तो ये बच्चे आपके, उनको सीखते हैं और वो काम को करने की कोशिश भी करते हैं। तो जब ये 3D की हम लोग बात कर रहे थे, तो उस 3D में आप देखेंगे कि आपको डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, आप ये देखिए तीन शब्द को आप प्रयोग करिए और लिख लीजिए आप, हम लोग इसको फॉलो करते हैं। फॉलो करने के साथ क्या है, और किसी भी कार्य को, किसी भी काम को, चाहे वो खेल हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका वेल्थ हो,
साथ ही साथ आपकी लाइफ हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आप उनके साथ ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन और साथ ही साथ डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता लाइफ के किसी जगह कहीं पे भी आप फेल हो सकते हैं। और जो उसकी खुशी होती है, जो आपको होता नहीं कि हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें अलग खुशी मिलती है, तो देना है। कैसे देना है कि जब आप फिजिकली फिट होते हैं। आज इस बीमारी में आप देखिए हमारी जो हार्ड इम्यूनिटी है कितनी अच्छी है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कितनी अच्छी क्यों है, ड्यू टू हम लोगों ने अपने आप को इतना फिजिकली, हम लोग खुद अपने काम को इतना करते हैं कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि भारत का जो भोजन है वो अपने आप में अद्वितीय है। जो अब लोग ये बता रहे हैं कि इसको खाइए, हमारे यहाँ तो अपने यहाँ तो बनते ही है वो चीजें। फूड की हम लोग बात करें कि फूड हमारे यहाँ वो बनता है जिससे मसाले जो बनते हैं वो अपने आप में औषधि की तरह है। बस केवल हमें यही करना है कि इस महामारी को हम लोग परास्त करने की स्थिति में इसको हम लोग परास्त कर रहे हैं। बस आप लोग से यही निवेदन करते हैं कि इस पेंडेमिक में आप सभी लोग COVID-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं, मैं तो कहूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोगों से जुड़े रहें, क्योंकि आप जुड़े नहीं रहेंगे फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। साथ ही साथ कहीं भी इसके लिए आप कहीं भी प्रॉब्लम में, और जहां भी आप सभी मेरे साथ साथी लोग जुड़े हैं, कहीं पे भी आप लोग को लगता है तो अपने जो द बेस्ट हो, टीचर हो, अपने प्रिंसिपल हो, अपने आदर्श हो, जो अपने आइडियल हो, आप उनसे जरूर दिन में एक बार बात करिए। साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी सजेस्ट करूंगा इस खेल दिवस के अवसर पे कि आप सभी लोग अपनी पर्सनल, मौका लगे इस टाइम को रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करिए, इसको लिखने की कोशिश करिए। और आप समझिए कि मैं आप सभी से कहूंगा कि आप जब इसको लिखेंगे और जब इस समय से हम लोग पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर वो चीज कैसे पनप गई कि मैं जिसको सोच भी नहीं सकता। तो इस चीज को कैसे ओवरकम हम किया जा सकता है, जब हम लोग अपने आप को स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में, योग है, एरोबिक्स है, जिम है, नहीं जा पाते हैं जिम में कोई बात नहीं, हम घर में बहुत आज के समय में यूट्यूब और गूगल पे बहुत लोगों ने अपने, जैसे आपके स्कूल के बहुत ही कंटेंट हैं आप देखिए, स्पोर्ट्स की बहुत चीजें आपके हमारे वेबसाइट पे या स्कूल के लॉगिन पे उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि आप उसको करेंगे, और ऐसी छोटी छोटी चीजें करनी, बड़ी चीजें नहीं। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ इन एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करिए। और आप समझिएगा शायद पहली बार ऐसा होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप मम्मी पापा, जो लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हो, मम्मी पापा के साथ रहकर खेल दिवस को सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, म्यूजिक लगाइए, डांस करिए। डांस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत अच्छे इंटरटेनमेंट है, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी हो ही रही है हमारी डांस के माध्यम से, एरोबिक्स के माध्यम से, जुम्बा के माध्यम से, तो बहुत हम लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं। कई बार हम लोग अपने आप को बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी कहीं पे भी बहुत डिमोरलाइज नहीं हो, मुश्किल है लेकिन अगर स्पोर्ट्समैन की तरह आप अपनी लाइफ को जिएंगे, स्पोर्ट्समैन स्प्रिट को आप इस्तेमाल करते चलेंगे, आपको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ जब आप स्पोर्ट्स को जीना शुरू करते हैं, स्पोर्ट्स को एंजॉय करना शुरू करते हैं, तो वो भी आपके साथ आपको वो चीज देती है जिसको ही आप सोच भी नहीं सकते, आपको वो मिल जाता है। तो मेरा आप सभी लोग से है इस खेल दिवस पे, आप लोग को मैंने थोड़ा सा शुरू में इसीलिए बताया ध्यानचंद जी के बारे में, उनके बारे में मैंने इसलिए पढ़ा या बताया कि आप लोग जानिए कि ये किस व्यक्ति के लिए मनाया जाता है, क्या थे वो, क्या किया उन्होंने। अब आप देखिए आजादी से पहले, आजादी के बाद तक हो रहे, उन्होंने देश को क्या क्या ऐसी उपलब्धि दी जो आज एक रिकॉर्ड है, कंटिन्यू 3 बार स्वर्ण पदक दिए। कारण क्या था? उन्होंने वही 3D, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। और आप देखिए कि उन्होंने अपने आप को देश के लिए, देशभक्ति से बड़ा कोई काम नहीं। अगर आप अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे, आपको देश भी बहुत कुछ देता है।
एक वो कल्चर दे रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतने कल्चर हैं कि आप सोच नहीं सकते। विभिन्न प्रांतों में आप जाइए तो आपको लगेगा कि हमारा भारत देश अद्वितीय है, और आपको गर्व होगा कि हम सब भारतीय हैं। इस राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और इसको आप लोग घर में रहकर इसको सेलिब्रेट करिए, इसको एंजॉय करिए। और एंजॉय करने के मैंने आपसे कहा कि घर वालों के साथ म्यूजिक लगाइए, डांस करिए, इनके बारे में बताइए घर वालों के। हाँ, ऐसे भी हमारे बीच में रहे, लोग जानते हैं, सब चीजें लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप उन्हें बताएंगे तो उन्हें लगेगा हाँ हमारे हमारे बच्चे, हमारे सर लोग कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं एक्टिविटीज में, जो हमें हमेशा मदद करती है। हमारे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, फिजिकल एजुकेशन जो होता है, ये संपूर्ण सर्वांगीण विकास करता है। जो मैंने अभी आप आपको पॉइंट्स बताए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, और उसके अलावा इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, तो ये सब चीजें जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ ये एक्टिविटीज क्या है। और इसको करने के बाद आपको जीत, जब आप हारते हैं तो हार नहीं मिलता है, वो जीत का एक एक आपको स्टेप मिलता है। जब आप हारते हैं, मैं आपसे इसमें कहूंगा कि जब आप लोग हारते हैं तो आप हारने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये इसने पास नहीं दिया, ऐसी गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब आप देखिए हारते हैं तो हारने के बाद क्या होता है कि आप उसको एनालाइज करते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि हमसे क्या गलती होगी कि हमें उसको नहीं करना चाहिए। तो एक स्टेप है जीत के लिए। जब हमारे एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी वीकनेस क्या है, हम उस चीज को अपने सर से, अपने मैडम से, अपने घर से, अपने टीचर से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अब आप देखिए, आपने अपनी वीकनेस को सही कर लिया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपका ही है, लेकिन आपने अपनी वीकनेस को सही कर लिया तो आप हमेशा तरक्की करेंगे। कई खिलाड़ियों के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर उन्होंने मैं अब्दुल कलाम साहब जो भारत के राष्ट्रपति थे उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने कुछ नकारात्मक शब्द को किस तरह एक्सप्लेन किया, आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कितने अच्छे स्पिरिट उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का काम किया था। उन्होंने एक शब्द था फेल, FAIL, तो उसका उन्होंने यहाँ पर वो अर्थ दिया, मतलब दिया, और बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अब और हम लोग क्या फेल का मतलब समझते हैं कि हम लोग फेल हो गए, हार गए, नहीं कर पा रहे, फेलियर हो गए। फिर एक शब्द है एंड, जिसका मतलब होता है समाप्त, इसके आगे कुछ है ही नहीं। और वो उसका उन्होंने क्या दिया, मतलब उन्होंने क्या बताया, क्या पॉजिटिविटी की बात कही है कि एफर्ट नेवर डाइज, आपका जो एफर्ट है, जो आपका प्रयास है, वो कभी नहीं मरता, आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस देता है। आज हम लोग इस वर्चुअल जो हम लोग ने ये खेल दिवस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि आप वो 1 घंटा सुनने में या 1.5 घंटा सुनने में आपको कितनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप लोग इतने वही 3D के साथ जो काम कर रहे हैं तो वो कितना हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। फिर एक शब्द है नो, नो मतलब नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो यहां पर उन्होंने कहा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नहीं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए हम काम करना शुरू करें, अगली अपॉर्चुनिटी को हम पाएंगे। आप देखिए, आप लोग जब कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी बड़ा रिजल्ट की मैं बात नहीं, छोटा रिजल्ट भी आता है उसकी खुशी अलग होती है, लेकिन कोई भी छोटा रिजल्ट हम फेल होते हैं तो इस फेल को आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हमेशा आप उस लर्निंग को पहला मान के चलेंगे तो आप फेल भी होते हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर बार हम पास हो, हम फेल भी होते हैं, लेकिन उस फेल होने में हमें पास होने का एक स्टेप मिलता है। साथ ही साथ जब उन्होंने इन सब चीजों की बात कही, मैं कई खिलाड़ियों के नाम ना लेते हुए बताऊंगा, कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन गरीबी में हमेशा उन्होंने काम किया। एक हॉकी प्लेयर थे, तो उनसे दद्दा के लिए पूछा गया कि उनकी क्वालिटी में बताइए कि क्या थी क्वालिटी। क्या है भाई, उनके अंदर क्वालिटी जो जितना भी आप बता दें, हॉकी का भगवान कह लें, या आप उन्हें देश का एक अद्वितीय मतलब मैं कह सकता हूं कि स्थान उनको है, तो
उन्होंने उनके बारे में ही बताया कि उनसे केवल और केवल सीखने के लिए, वो हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छे उदाहरण है। और जैसे ही सरकार ने खेल दिवस को इसलिए दिया है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किसके लिए ये खेल दिवस की शुरुआत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसको हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको हमें, और खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा आज के दिन हमारे जो मैंने शुरू में बताया भी कि जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, कई प्लेयर्स को उसमें जो अपने कहा जाता है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो विद इन 4 ईयर्स में देते हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड जो दो तरीके से है, जिसमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, एक नॉर्मल जो अवार्ड होता है वो दिया जाता है। तो इस बार राजीव गांधी खेल में आप मान के चलिए पांच पांच लोगों को दिया जा रहा है राजीव गांधी खेल रत्न में। उसके साथ ही साथ जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड है वो 8 लोगों को दिया जा रहा है। सामान्य जो नॉर्मल द्रोणाचार्य अवार्ड है वो 5 लोगों को दिया जा रहा है। अर्जुन पुरस्कार जो बेहतरीन खिलाड़ी के लिए दिया जाता है, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर को दिया जाता है, जो जिन्होंने अपने देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है, नाम रोशन किया है, उनमें दिया, इस बार 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। फिर ध्यानचंद पुरस्कार जो आज के दिन हमारे दिया जा रहा है, वो भी वर्चुअल दिया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ध्यानचंद जो पुरस्कार दिया जा रहा है इसमें मैं लाइफ टाइम जो कंट्रीब्यूशन होता है उनको दिया जाता है सॉरी। और इसके बाद एक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो संस्थाओं का जिन्होंने हमेशा खेल में सहयोग किया है उनको दिया जाता है। फिर आपका विश्वविद्यालय खेलों में जो टीम जीतती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसको माका कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया जा रहा है। और एक है आपका टेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार, इसमें भी 8 लोगों को दिया जा रहा है। तो ये खेल दिवस पे इनको सम्मानित करने का और मुझे बताने का कारण यही है कि आप लोग जानते रहे कि इस खेल दिवस पे अचीवमेंट भी है, अचीवर्स भी हैं, और इस थोड़ा सा बस वैश्विक जो महामारी है उसके बीच में हम लोग इसको करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी सबको इस आज के जो जो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए, हम लोग ने एक दूसरे के बारे में जो सुना समझा, और खास तौर पे जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था मेजर ध्यानचंद जी को, मेरी तरफ से और आपके विद्यालय पूरे देश की और राज्य की तरफ से, मैं आप सभी सबको इस का खेल राष्ट्रीय खेल दिवस की और माननीय मेजर ध्यानचंद जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं बधाई देता हूं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जो भी मुझे आया, जो भी मैंने अपनी बातों को कहना चाहा, जो भी अपनी बातों को कहा आपने उसको सुना, और उसपे आपने अपने कमेंट्स भी मुझे लग रहा है तो लोगों ने मुझे कमेंट्स भी दिए हैं कई लोगों ने, तो मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना डेडिकेट होके डिसिप्लिन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ कार्यक्रम को करते हैं कि आपके कार्यक्रम में आना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा प्रिंसिपल शिल्पा मैम को, आपके सभी सहयोगियों को, और फिजिकल एजुकेशन के एचओडी दीपक कुमार जी और मोहम्मद सामिर जी, जो आपके इतने ऊर्जावान ओजस्वी तेजवान जो है, जो हमेशा हर एनर्जी के साथ हमें मिलते रहते हैं और हमें हमें भी एनर्जी देते हैं, आपके बता रहे हैं आपके जो टीचर्स हैं हमें भी एनर्जी देते हैं कि सर ऐसा करना चाहिए वैसा और करना चाहिए, और हम लोग सच में उस चीज को करते हैं। तो इसी के साथ, क्योंकि समय भी हुआ है, अगर आपका कोई एक इंटरेक्शन सेशन कह सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो, क्योंकि प्रश्न तो इसलिए क्योंकि सब चीजें आज के समय में उपलब्ध हैं, अगर आपका कोई सॉरी अब जैसे अभी आया उन्होंने बताया तो उसमें समरी का था कि अमेरिका के अंगेस में भारत ने 25-1 से मैच जीता,
और आप ये मानेंगे कि ये मैच में मैंने बताया ना कि इसमें न्यूज़पेपर में मेंशन भी था, ये ऑलरेडी मेंशन है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको आपको उपलब्ध भी करा सकता हूँ। तो अभी जैसे सर ने पूछा है कि कितने क्या उसकी समरी रही, तो वो 25 गोलों से उनको हराया है। और कोई आपके प्रश्न हो तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। साबित सर, मैम, यस अनाजी हेलो नाजी मैम यस सर, गुड मॉर्निंग सर, वंस अगेन। यस सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू डॉक्टर थैंक यू भास्कर सर फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड विद अस। नाउ बिफोर आई प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल सिस्टर शिल्पा टू ब्लेस अस विद हर काइंड वर्ड्स एंड ऑल्सो शेयर हर थॉट्स ऑन द डे। थैंक यू सिस्टर, प्लीज एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट एंड प्लीज कम अप। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हैप्पी स्पोर्ट्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली टू मिस्टर भास्कर गुड मॉर्निंग एंड सिस्टर या गुड मॉर्निंग एंड टू ऑल द पीटी टीचर्स ऑफ बेथनी फ्रेटर्निटी, फोर ऑफ यू, टू लेडी टीचर्स एंड टू जेंट्स, मिस्टर दीपक, मिस्टर साबिर, प्रीति एंड सुनीता पाल। I'm pleased to see that the way things were conducted and the response of the students as well as this teachers' hard work and taking up my short call to arrange this sports day in this virtual class. And Mr. Bhaskar, I'm very, very happy and I attended this first talk on sports day, and you Thank you. touched upon all the topics that we teach in the school, picking up from spiritual life, economic, emotional, and social, as well as how we need to handle ourselves. Sir, मैं थोड़ा हिंदी में बात करने के लिए प्रॉब्लम होती है, सो कोई नहीं आई मैम, एम बिल्कुल टॉकिंग बिल्कुल या इन इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स, आई थिंक यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपने एड्रेस किया है इमोशनल लाइफ टेक केयर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर चिल्ड्रन टुडे, बिकॉज सोशल लाइफ इज ओनली विद द फैमिली। उनको यस ग्राउंड नहीं मिल रहा है, फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, बाहर आना जाना नहीं हो रहा है, शॉपिंग नहीं होता है, होटल्स नहीं है, जी खाना वाना नहीं मिलता है बाहर। सोशल लाइफ जो हमने सोचा था वो कट ऑफ हो गया है। सो सोशल जी लाइफ इज विद इन द फैमिली माई डियर स्टूडेंट्स। सो आपको सर ने बहुत कुछ बताया, मैं एक चीज बताती हूँ, आप फैमिली के साथ लाफिंग सेशन कीजिए, जोक्स जी क्रैक करिए, बट पेरेंट्स के साथ ऐसे है तो शायद आपका सोशल लाइफ बन जाता है वहां पे, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो आप लोग क्लास के बाद या टेंशन के बाद। ये चीज करना जरूरी है आपके पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक टू इमोशनल लाइफ, आई वॉन्ट टू से इमोशनल लाइफ इफ यू हैव टू बैलेंस, माई डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू, रीड गुड बुक्स, लिसन टू गुड म्यूजिक, एंड बिल्कुल देन ऑल्सो वॉच सम मूवीज दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर इमोशनल इम्यूनिटी इन साइड, ई आई वुड कॉल इट। सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गिव अप ऑन एनी इश्यूज, डोंट गो इन टू एनी दैट आई कैन नॉट, सर हैज वेरी वेल एक्सप्लेन, आई डोंट वॉन्ट टू टच अपॉन दैट अबाउट एवरी फेलियर, नो, एंड फॉर एवरी थिंग पुट अ पॉजिटिव। इन कोविड वी हैव टू टेस्ट नेगेटिव, बट इन व्हाट इज दैट, इन लाइफ वी हैव टू टेस्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव ओके, यस प्लीज अंडरस्टैंड, ऑपोजिट ऑपोजिट अट्रैक्ट each other, okay? Then coming to economic, today's problem is economic. We have no money in hand. So keep good health, do certain exercises within your house, outside, whatever you can do, so that you keep good health. Don't spend money on your health, okay? Don't spend money on your health. So save your money for better things and better future. This is what I want to say. And then I want to thank and congratulate all the PT teachers for this wonderful arrangement, and all the other class teachers. I really, felt good when I heard Mr. Bhaskar saying that this was one of the school where all were present and started in time the session. This is very important to teach children, and we ourselves do it so that we understand. So congratulations to all the class teachers, subject teachers who have supported these PT teachers, because without your support this cannot happen with them, because they are not the class teachers, they can't control, right sir, but Mr. Bhaskar, I Yes, ma'am, think very right. yeah
working well like this hand in hand, we can improve the institution, improve the students' discipline, improve their health, mental, physical, spiritual, and social. Spiritual, very, very important. So once again, I thank you for spending this one precious hour with us, and it was worth attending. I felt very happy. I'm sure my students also will pick up a lot of things for life, if not for examination, which needs to be done. So thank you once again. And this one, who is that? Nazia, you can take over to propose the vote of thanks. Yeah, thank you so Thank you. much, sister. Honorable Dr. Bhaskar, sir, our benevolent and respected principal, Sister Shilpa, physical education teacher, Sir Sabir, and Sir Deepak, it's my privilege to propose the vote of thanks on this special occasion of Sports Day. All the other teachers and my dear students, I will never skip you. Thank you so much for organizing such a wonderful event for us. On behalf of all the entire Bethany family, the Bethany Convent School, Naini Prayagraj, it's me, Nazia Sheikh, here to propose the vote of thanks to everybody present over here, because it is the group work that becomes fruitful. One person cannot crack a nut. Okay, so I thank you, sir, for presenting the concept of 3D, determination, dedication, and Yes, discipline. discipline, which is just revived in our minds. And also, I hope that our students have got to learn a much, a good slot from you on this short time, from this short time. And I would like to present my special thanks to Sir Deepak and Sabir, sir, for presenting you to us and to our students, from where we can learn a lot. And I would assure you, sir, that our students are going to follow this concept of 3D, and also sister's concept of emotional maturity and emotional health, etc. And we'll always bear a positive side. We'll always be negative with corona and be positive with the life. This is what we are going to do. I can assure this from the side of my students, because we know what we are teaching. They are taking it very seriously, and the results are very good from all the aspects, be it be academic, be it be sports aspect, or whatever. Whatever we are giving to our students, they are receiving well. I also thanks the parents that they have provided us with such a good slot of students and children, and the entire Bethany family is thankful to you, sir. And I wish everybody a very, very happy National Sports Day. You have given us a very good information about Sir Major Dhyanchand. We knew about him, but we never knew that he has scored so many thousands of goals that we got to learn from you, sir. Thank you so much. And I wish and hope the best for everybody, so that everybody comes up with this corona situation positively and stay healthy and stay safe. Thank you, sir. Thank you, sister. Thank you, Sir Deepak and Sir Sabir. And thank you, all the students.